हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 14 उसमें का सब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। आपको ड्राइंग एग्जाम गाइड चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है। वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक और शेयर भी करना है। प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास राउंडर, इसे कंपास भी बोलते हैं, स्केल और पेंसिल, इन ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। आज हम इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और उसे समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन सेक्शन 6, इंस्क्राइबिंग एंड डिस्क्राइबिंग सर्कल्स, एग्जांपल नंबर 14, उसमें का सब एग्जांपल 2। टू इंस्क्राइब 4 सर्कल्स इन अ गिवन रेगुलर स्क्वायर इन अ सच अ वे दैट ईच सर्कल विल टच टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर एंड टू अदर सर्कल्स। क्वेश्चन, इंस्क्राइब 4 इक्वल सर्कल्स इन अ स्क्वायर विथ वन साइड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग सो दैट ईच सर्कल टचेस टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर एंड टू अदर सर्कल्स। हिंदी प्रश्न विभाग छठा, नियमित आकृति में अंकित वृत्त। उदाहरण, दिए गए नियमित वर्ग समचतुर्भुज में 4 वृत्त यानी वर्तुल इस प्रकार अंकित करना कि प्रत्येक वृत्त वर्तुल वर्ग समचतुर्भुज की 2 भुजाओं दो अन्य वृत्तों वर्तुल को स्पर्श कर। प्रश्न, एक वर्ग समचतुर्भुज में 4 समान वृत्त खींचिए, 4 समान वर्तुल खींचिए जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी हो ताकि प्रत्येक वृत्त वर्तुल हो वर्ग चतुर्भुज के 2 भुजाओं को स्पर्श करना है और 2 अन्य वृत्तों वर्तुल को स्पर्श करे। मराठी प्रश्न, 8 सेंटीमीटर बाजूच्या चौरसात 4 वर्तुळे अशी काढा की प्रत्येक वर्तुळ चौरसाच्या 2 बाजूला आणि इतर 2 वर्तुळाला स्पर्श करेल। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 उसमें का सब क्वेश्चन 2 हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में देखा है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक स्क्वायर निकालना है जिस स्क्वायर की जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर हमें लेना है। यहाँ पर उस स्क्वायर की बेसलाइन पहले हम निकालेंगे 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इस प्रकार से। इसे थोड़ा बाहर लेना है इस लाइन को, इस लाइन का हमें नाम देना है पी और यहाँ नाम देना है सी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसके बाद यहाँ पर हमें एक परपेंडिकुलर निकालना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। सी पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट मैंने रखकर यहाँ पर एक इस प्रकार से राइट और लेफ्ट साइड को 2 आर्क बनाए, दोनों आर्क बीसी लाइन को क्रॉस करके वहाँ पॉइंट लिया। पहले वाले पॉइंट पर राउंडर का स्टील वाला पॉइंट रखकर सी से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेकर ऊपर वाले भाग पर हिस्से पर एक आर्क बनाया और सेकंड वाले पॉइंट से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाया, दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर गए, वहाँ पॉइंट मिला। उस पॉइंट को और सी पॉइंट को हमें जोड़ना है लाइन से और परपेंडिकुलर निकालना है इस प्रकार से। ये परपेंडिकुलर आप बी पॉइंट पर भी निकाल सकते हो और सी पर भी निकाल सकते हो। अब हमें कंपास में बी सी इतना डिस्टेंस रेडियस लेना है और सी पॉइंट से इस परपेंडिकुलर पर एक आर्क बनाना है। यहाँ पर इस आर्क ने परपेंडिकुलर को क्रॉस किया है, वहाँ पर पॉइंट मिला है, उसे नाम दिया है डी। अब यही डिस्टेंस से, यही रेडियस से डी पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर लेफ्ट साइड को एक आर्क बनाना है और उसी डिस्टेंस से, उसी रेडियस से बी पॉइंट से उस खड़े आर्क पर, वर्टिकल आर्क पर एक हॉरिजॉन्टल आर्क बनाना है इस प्रकार से। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए वहाँ पर पॉइंट लेना है, उसे नाम देना है सी। सी और बी को जोड़ना है और सी और डी इनको जोड़ना है, यहाँ पर नाम देना है ए, गलती से वहाँ पर सी हो गया था। इस प्रकार से हमारा ए बी सी डी ये स्क्वायर बन गया है। बच्चों, एलिमेंट्री ड्राइंग ग्रेड एग्जाम का
ज्योमेट्री का 12 नंबर का क्वेश्चन है, वहाँ पर मैंने इस प्रकार से स्क्वायर को ऐसे बनाना है, निकालना है, वो सिखाया, वो भी एग्जांपल आप देख सकते हो और वैसे स्क्वायर आपको निकालना है। उसके बाद इसके हमें विकर्ण जोड़ना है यानी डायगोनल्स निकालने हैं। उसके लिए हमें ए पॉइंट और सी पॉइंट जोड़ना है इस प्रकार से, और बी डी इन दोनों पॉइंट को जोड़ना है। यहाँ पर हमें इन दोनों डायगोनल ने एक दूसरे को क्रॉस किया है, वहाँ पर पॉइंट मिला है, उसे नाम देना है ओ। उसके बाद हमें सी डी इस लाइन के दो इक्वल पार्ट बनाने हैं। उसके लिए सी पर मैंने कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर कंपास में अप्रोक्सीमेटली सी डी के हाफ से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेकर राइट साइड को एक आर्क बनाया। उसी डिस्टेंस से, उसी रेडियस से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाया। यहाँ पर पॉइंट मिला है, उस पॉइंट को और ओ पॉइंट को जोड़ना है इस प्रकार से। वही सेम कृति यहाँ पर करना है बीसी लाइन पर इस प्रकार से। इन दोनों लाइन ने स्क्वायर को क्रॉस किया है, यहाँ पर क्रॉस किया है, यहाँ पर पॉइंट मिला है पी, यहाँ पर क्रॉस किया है, यहाँ पर पॉइंट मिला है क्यू, यहाँ पर क्रॉस किया है, यहाँ पर आर, और यहाँ पर क्रॉस किया है, यहाँ पर यस। अब उसके बाद हमें ओ पी सी इस एंगल के हमें दो पार्ट बनाने हैं इक्वल। उसके लिए पी पर मैंने कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर यहाँ पर एक ऐसा आर्क बनाया। आर्क ने इस एंगल को यहाँ पर क्रॉस किया है और यहाँ पर क्रॉस किया है। पहले वाले पॉइंट पर मैंने कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर कंपास में अप्रोक्सीमेटली हाफ से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक ऐसा आर्क बनाया। उसी डिस्टेंस से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाया। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर गए, वहाँ पर पॉइंट मिला है, उस पॉइंट को और पी पॉइंट को मैंने लाइन से जोड़ा है और ये लाइन यहाँ तक लाया है। ये जो ओ पी सी इस एंगल को हमने यहाँ पर इक्वल पार्ट बनाए, और ये जो पी से निकली हुई लाइन ओ सी लाइन को यहाँ पर क्रॉस कर गई है, वहाँ पर पॉइंट लेना है, उस पॉइंट को नाम लेना है ओ वन। अब ओ वन पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर हमें पी सी लाइन पर दो आर्क बनाने हैं इस प्रकार से। ये जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली लेना है। इन दोनों आर्क ने पी सी लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया है, देखो यहाँ पर क्रॉस किया है, दो पॉइंट मिले हैं। पहले पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखेंगे, कंपास में इन दोनों पॉइंट के हाफ से थोड़ा ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेकर एक नीचे आर्क बनाएंगे, उसी डिस्टेंस से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाएंगे। दोनों आर्क एक दूसरे को जहाँ पर क्रॉस हुए पॉइंट मिला है, वहाँ पर पॉइंट लेना है और उसे वो वन पॉइंट से इस प्रकार से जोड़ना है। इस लाइन ने पी सी लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया है, वहाँ पर पॉइंट मिला है यन। अब हमें कंपास में ओ वन यन इतना डिस्टेंस लेना है इस प्रकार से, और यहाँ पर एक सर्कल बनाना है। इस प्रकार से हमारा सर्कल तैयार हो गया है। बच्चों क्वेश्चन में दिए गए अनुसार इस सर्कल ने इस वर्ग को, चतुर्भुज को दो भुजाओं को स्पर्श किया है, यहाँ पर और यहाँ पर, और दो वृत्तों यानी वर्तुल को, सर्कल को वो स्पर्श करेगा। यहाँ पर एक सर्कल आएगा और यहाँ पर दूसरा सर्कल आएगा, इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। अब हमें और तीन सर्कल यहाँ पर सेम निकालना है। तो जैसे हमने यहाँ पर सेंटर पॉइंट निकाला O1, वैसे यहाँ पर हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे O2, O3 एंड
वो फोर। उसके लिए कंपास का स्टील वाला पॉइंट वो पर रखकर कंपास में डिस्टेंस लेना है, वो वन इतना। यहाँ पर एक आर्क बनाना है, यहाँ पर एक दूसरा आर्क बनाना है और यहाँ पर तीसरा आर्क बनाना है। यहाँ पर पॉइंट मिला है उसे नाम देना है ओ टू, यहाँ पर पॉइंट मिला है उसे नाम देना है ओ थ्री, यहाँ पर पॉइंट मिला है इसे नाम देना है ओ फोर। अब हमें कंपास में डिस्टेंस लेना है ओ वन ओ नाइन इतना, और यहाँ पर सर्कल बनाना है। इसी प्रकार से सर्कल यहाँ पर निकलेगा और यहाँ पर भी निकलेगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। बच्चों आप जब प्रैक्टिस करोगे तो इसका आपको डिस्टेंस चेंज करना है, 8 सेंटीमीटर की जगह आपको 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लेना है। बाकी का कृति बाकी का प्रोसेस यही रखना है और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बच्चों यहाँ पर देखो, इस सर्कल ने इन लाइन को स्पर्श करके गए, इस सर्कल ने इस लाइन को क्रॉस नहीं किया है, इस लाइन से बाहर हुआ या नहीं, और लाइन के बीच में और सर्कल के बीच में डिस्टेंस छोड़ के भी नहीं गया। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को एक्यूरेट सॉल्व करना है। बच्चों आज का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।